चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, पीएम मोदी की तस्वीर वाले विज्ञापन हटाने की मांग की। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और पेट्रोल पंपों पर लगी है प्रधानमंत्री की तस्वीरें। टॉम वडक्कन के बीजेपी में शामिल होने पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कहा वडक्कन कोई बड़े नेता नहीं है, नहीं पड़ता फर्क। रायपुर पहुंचे राहुल गांधी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों से की बात, कहा भारत एक ग्रामीण व्यवस्था से शहरी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, यह मुश्किल परिवर्तन है। शत्रुघ्न सिन्हा ने की बीजेपी छोड़ने की तैयारी, शायराना अंदाज में किया पीएम मोदी पर वार, कहा राष्ट्र आपका सम्मान करता है पर नेतृत्व में विश्वसनीयता और विश्वास की कमी है। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में हुआ बदलाव, अब 17 मार्च को पहुंचेंगी लखनऊ, पहले 15 मार्च को जाना था। राष्ट्रीय जनता दल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब, लालू ने चारा घोटाले के 3 मामलों में जमानत पाने के लिए दाखिल की है याचिका। वीवीपैट को लेकर 21 विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, सुनवाई में चुनाव आयोग के एक अधिकारी को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा, 25 मार्च को होगी अगली सुनवाई। क्रिकेटर श्रीसंत को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, श्रीसंत पर लगा आजीवन प्रतिबंध हटाया, फिक्सिंग मामले में बीसीसीआई ने लगाया था प्रतिबंध। आज होगी लोकपाल चयन समिति की बैठक, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर किया बैठक का बहिष्कार, पीएम को लिखी चिट्ठी। मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगती नजर आ सकती हैं मायावती, गठबंधन को जीत दिलाने के लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मायावती करेंगे 12 रैलियां। कल होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, हो सकती है 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा, पीएम मोदी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सिंह सहवाग ने ठुकराया बीजेपी का ऑफर, कहा नहीं लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी ने दिया था सहवाग को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर। मुंबई के फुटओवर ब्रिज हादसे में सामने आई प्रशासन की लापरवाही, ऑडिट में कही गई थी ब्रिज में सुधार करने की बात, लेकिन सही वक्त पर नहीं कराई गई मरम्मत, सरकार ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च की 2 मस्जिदों में गोलीबारी, हमले में 49 लोगों की गई जान, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। क्राइस्टचर्च में बाल बाल बचे बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, हमले के दौरान मस्जिद में मौजूद थे कई खिलाड़ी, सुरक्षा के मद्देनजर रद्द किया गया मैच। जैश सरगना को लगा तगड़ा झटका, फ्रांस में जैश ए मोहम्मद की संपत्ति जब्त करेगी फ्रांसीसी सरकार, अजहर के नाम को यूरोपियन यूनियन की संदिग्ध आतंकवादियों वाली सूची में भी शामिल करेगा फ्रांस। गाजा पट्टी की तरफ से इसराइल में दागे गए 2 रॉकेट, जवाब में इसराइल ने किया हमला, इसराइल ने उग्रवादी ठिकानों पर किए हमले। आईपीएल 2019 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा झटका, टीम के शानदार प्लेयर शिवम मावी और नागरकोटी चोट के कारण टीम से बाहर। भाभी जी घर पर हैं कि अनीता भाभी ने करवाया बेटे संग फोटोशूट, तस्वीरों में दिखी माँ बेटे की स्पेशल बॉन्डिंग। और सपना चौधरी का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में टुकुर टुकुर देखते हो क्या पर दमदार की एक्टिंग, फैंस ने की तारीफ।